हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे ना ये देखिए, मैं मूंग दाल ले रही हूँ। मूंग दाल का आज मेरा शाम के टाइम मन है हलवा बनाने का। तो यहाँ पे मैं इसको पहले भिगो दूँगी और भिगोने के बाद मुझे निकलना है मार्केट। तो मैं भिगो के निकल जाती हूँ मार्केट। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट, और मार्केट में मुझे बहुत सारे आज काम थे। मतलब आज मैंने सोचा था कि आज लास्ट डे रहेगा मेरा मार्केट का। मैंने सोचा था कि आज इंगेजमेंट के मतलब पहले का आज लास्ट डे रहेगा, क्योंकि कई दिन से दौड़ दौड़ के इस गर्मी में आज मैं बेटू को भी अपने साथ मार्केट लेके आई थी। तो ये भी मतलब आज उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बादल भी छाए हुए थे। तो यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ ये अपने लिए रेगुलर यूज़ के लिए कंगन, जो कि बहुत सुंदर सुंदर था। और अभी सावन भी आने वाला है, तो इसमें से मैंने बहुत प्यारा एक पेयर कंगन लिया था, जो कि आगे मैं अगर दिखाऊंगी तो अभी ब्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कौन सा कंगन लिया यहाँ से। और साड़ी का सेट भी मुझे यहीं से लगवाना था, चूड़ी का सेट, तो वही मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ। और इस टाइम मैं आज ये पूरा सोच के गई थी कि आज मैं पूरा काम फिनिश करके आऊँगी मार्केट से, भले ही कितनी रात हो जाए, कितनी लेट हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ का वही रहता है ना कि सब काम निपटा के जल्दी जल्दी भागो, और घर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो वो हो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे आज मार्केट जाना है और अपनी जो मतलब दुल्हन है उसके लिए भी कुछ लेना है गिफ्ट। अगर हम क्या देते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में तो पता चलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे फाइनली मुझे जो चाहिए था वो कंगन मिल गया, और यहाँ से मैंने कई सारे सामान छोटे छोटे से तो वो सब खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर बेटू अभी बाहर खेल रही हैं, इनको अंदर नहीं जाना था तो इनको मैंने छोड़ दिया था। और आज हाँ, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी, इनसे बोला था कि आज आप लेके चलिए, क्योंकि ये रहते हैं ना तो आप इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। हम देखने मतलब कैसे लेना है क्या लेना है तो देख लेते, नहीं तो आप को छोड़ के जाने पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप जब घर पे रहती है ना तो वो मम्मी मम्मी करके रोने लगती है, क्योंकि अब समझदार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चौक में गुलाबचंद ज्वेलर्स के यहाँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या मतलब लेना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं थोड़ी देर वेट करी, लाइन में लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे आप मेरे को पीछे बैठा दिया है, और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ क्या लूँ। तो मैंने सबसे पहले पायल निकलवाई है, तो यहाँ पे भैया जो थे वो पायल दिखाए, लेकिन इनके यहाँ ना लेटेस्ट डिज़ाइन रहती है और अच्छी अच्छी डिज़ाइनें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आज, लेकिन खैर आज जो जो पायल दिखा रहे थे उसमें से बहुत मतलब कम पायलें पसंद आ रहे थे, लेकिन लास्ट में जो पायल पसंद आई मुझे बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे अभी मैं ये तो ट्राई कर रही थी, देखा था एक पायल, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी रेगुलर बेस के लिए, मुझे चाहिए था कि हाँ क्या पहना है पहनने के लिए। तो यहाँ पर ये तो मैंने पहले देखी अपने लिए पायल, और यहाँ पर दुल्हन के लिए भी देखी थी, तो वो मैंने बहुत प्यारी सी पायल ले ली है। और इसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ रिंग, जो रिंग तो इनके पास जोधा वाली रिंग बहुत सुंदर सुंदर इनके पास रिंग है भैया के पास। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी मार्केट करने के बाद आ गई हूँ घर पे। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं घर, और घर पे आके मार्केटिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, दल टिक्की, दाल वाली टिक्की जो हम लोग बनाते हैं आटे का। तो ये दाल बहुत जगह दाल का दूल्हा भी बोलते हैं इसको, तो वही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हल्का भी होता है खाने में और खाने में मजा भी आती है, हम लोगों को बहुत पसंद है। और मेरी बेटू यहाँ सारा सामान लेके भाग जा रही है। तो गाइज अभी भी आए पहले किचन में मेरे सबसे पहले तो आ गई थी छिपकली, तो उसको बड़ी ही मशक्कत करके हम लोग भगाए हैं, बहुत ही मेहनत लगी उस छिपकली को घर से बाहर निकालने में। तो अभी मैंने चढ़ा दिया है दाल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दल टिक्की। तो आपको दिखाती हूँ कैसे मैं दल टिक्की बनाती हूँ, मतलब किस शेप में। बहुत लोग रोटी बना के डाल देते हैं, बहुत लोग ऐसे मतलब बहुत तरीके के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटी छोटी ये ले लिया है, ये ले लिया है लोई, आटे की लोई। तो इसको मैं बेल लूंगी ऐसे, इसको मैं ऐसे बेल लूंगी थोड़ा सा छोटा सा। तो अभी मैं दिखाती हूँ, जाओ खाना खाओ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रोटी दिखाइए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पतली पतली थोड़ा थोड़ा आटा लेके लोई बना लिया है, और इस आटे को पतला पतला छोटा छोटा सा बेल लिया है लोई। तो यहाँ पे ना ये देखिए मैंने पतली पतली लोइयाँ ले ली हैं, और उसको छोटा छोटा बेल के, और यहाँ पे फ्लावर जैसे बनाया जाता है। तो खैर पहले ये मैं नहीं बना पाती थी, मुझसे होता ही नहीं था, और दीदी अभी भी मतलब ये चकले बेलन का सहारा नहीं लेती हैं, अपने हाथ से ही बनाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अब सीख चुकी हूँ, तो मैं लेकिन बस मैं क्या करती हूँ बेल लेती हूँ, बेलने के बाद मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल में एक सीटी लगा दी थी इसको, इसके बाद मैं पानी डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया, इसको खूब अच्छे से पकाएंगे क्या, एक साइड में पकता जाएगा और एक
एक फ्लावर जो बनाते हैं उसको इसी में डालते जाएंगे तो, और ये बनने के बाद ना इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि सबको अच्छा लगता है। तो फाइनली अब मैं इस दाल टिक्की बनाने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो चुकी हूँ। तो मैं और यहाँ पर ये एक टुकड़ा खटाई का इसी में डाल देते हैं, और बहुत लोगों के यहाँ खटाई नहीं बनी रहती है तो कोई बात नहीं है, इसमें आप अच्छे से तड़का लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेरे यहाँ तो खैर ससुराल में ये वाली खाई जाती है, तो यहाँ पर पूरी मैंने बना लिया है। और यहाँ पे दाल में लगाएंगे छौंका, तो इसमें क्या है, जीरा डालिए, हींग डालिए और लहसुन और हरी मिर्च मैंने ले लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे सरसों के तेल से छौंका लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं ऊपर से घी डालूँगी क्योंकि मेरे यहाँ सबको ऊपर से घी चाहिए। तो छौंकने में मैंने नहीं छौंका है। तो यहाँ पे देखिए बनके दाल टिक्की मेरी तैयार है, और अब मैं कोशिश करती हूँ ना कि ये हफ्ते में एक दिन ज़रूर बनाऊँ। मुझे दाल टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अच्छा भी रहता है खाने में, टेस्टी लगती है। तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ ज्वेलर्स की शॉप से अपनी बहू को देने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए दाल टिक्की टमाटर और धनिया की पत्ती के साथ मैंने सर्व किया, बहुत ही टेस्टी था। और इसके बाद ना आपको मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ देखिए दो छोटे छोटे बर्ड के बच्चे, देखिए एक अंडा अभी नहीं, अभी अंडा ही है, दो बच्चे हो गए हैं। और इसको मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, जब तीन अंडे थे इसमें। तो बर्ड जो है यहाँ पे ना बहुत केयर करती है अपने बच्चों की, जैसे अभी हम गए ना तो उठ के बस बगल की डाल पे वहीं पास में बैठी है और देख रही है बराबर अपने बच्चों को। तो जब हम ये वीडियो बनाने लगते हैं ना, जब भी गए वैसे बनाने, तो बच्चे ऐसे मुँह खोलते हैं, उनको लगता है मेरी मम्मी आ गई हैं। और अभी भी बच्चों की आँख नहीं खुली है, बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाएँ। और बर्ड ना, बर्ड तो इतना मतलब आई है, ये घोंसला उसने तीन दिन में बना के तैयार किया है बस देख देख के। पहले तो कॉटन लेके आई है, उसको मैंने अभी मतलब देखा कि ऐसे बनाते हैं, पहले ये बर्ड जो है कॉटन लेके आई, उसको भी धीरे धीरे कहाँ से लेके आई होगी वो बनाई, और फिर ऐसे दे तीन दिन में एक एक अंडे मतलब यहाँ पर दी है। और इसके बाद ना इसकी मम्मी को मैं दिखाऊँ बर्ड को, तो बर्ड देखिए आप लोग देखेंगे ये बैठी हुई है, यही बर्ड है। तो ये इसको बुलबुल बोलते हैं शायद, अगर और कुछ बोलते होंगे तो आप लोग बताइएगा, जिसके सर पे दो ऐसे सिंग मतलब पंख जैसे निकले होते हैं। तो यहाँ पे ये बैठी देखे पूरी निगरानी करती है अपने बच्चों की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और बर्ड को पता है ना कि यहाँ हमारे बच्चे और मैं भी बहुत सेफ हूँ, तो बर्ड कुछ नहीं, लेकिन जब से ये हटती है ना तो बोलती है बर्ड, तो इन बच्चों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और इन बच्चों के आप लोग भी देखिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।